जय हिंद दोस्तों, ये गुरविंदर डेयरी है डब्बाली पंजाब में। बहुत ही मेहनत से काम करते हैं ये, और आज भी इनके पास कई स्टेटों के किसान आए हुए हैं। सबसे आपको मिलाएंगे और क्या उनकी परख है, कैसे वो खरीदेंगे, और पशुओं की भी लाइन लगी हुई है, वो भी एक एक करके दिखाएंगे, और कुछ सेहत संबंधी जानकारी रख रखाव के बारे में इनसे लेंगे। आइए। नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ के व्यापारी हैं आज? सभी सेटों के सर, आसाम के हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ के, और वेस्ट बंगाल के, महाराष्ट्र के। पहले कहाँ की दिखा रहे हो सर? रायपुर छत्तीसगढ़। थोड़ी करके सारी दिखा दो। जी जी, दिखा। हाँ, सबकी दिखा देते हैं। ये गाय, इसके कितनी उम्र की है ये सर? ये उम्र की बात करें तो मेरे हिसाब से 3.5 साल की होगी। सेकंड लोकेशन में है, 4 टीथ पूरे करके 6 के उठा रही है सर। भारी बहुत हाइट और कम्पैक्ट आर्डर है सर। लेग स्कोर बहुत बढ़िया है सर गाय का, और फर्स्ट में जो मिल्किंग पीरियड है इसका 40 लीटर है सर। अच्छा जी जी। तो कितने दांत है? ये 6 टीथ है सर, 6 दांत है सर। दिखा देगी? हाँ, दांत दिखा देगी सर, खुली है ये फॉर्म से। अच्छा, नहीं दिखाएगी? दिखा भी सकती है सर, नहीं भी दिखा सकती वो। चलो, तो कब तक ब्याएगी सर? ये अभी 10 डेज बाकी है, और जिस दिन बच्चा देगी सर, पूरा कंपैक्ट आर्डर, पूरा फिटनेस वाला आर्डर लगा हुआ बॉडी में। तो अभी भी ऊपर है। हाँ जी, आर्डर बहुत फिटनेस है। सेकंड में है सर। और वेट की बात करें तो 7.5 क्विंटल की होगी सर मिनिमम सर। दूध 40 से प्लस चलेगी सर। फर्स्ट में दिया फार्मर से रिकॉर्ड लिए, जो फर्स्ट में 38-40 के पीक पीरियड पे सभी चले। झूठ भी बोल देते होंगे सर। मैं उसी फार्मर से जितनी गाय लेके आऊँ, आज तक मेरे को कभी उसने झूठ नहीं बोला सर। अच्छा जी जी। और गाय को देख के आप भी वीडियो बनाते हो सर, गाय को देख के लगता ही अभी इतना मिल्किंग कर देगी सर। दाम क्या है? दाम 1.5 में दिया सर, ये 1,05,000 जी। 40 वाले? हाँ जी जी। 45 लीटर मिल्किंग करके, उस तो बोल रहा है इसकी 50 पे चलेगी। नहीं, हमने फार्मर को बोला भी अच्छी केयर करोगे तो 45 लीटर मिल्किंग पे चलेगी सर। दामबाजी में सर मैं तो बोलता हूँ रीजनेबल रेट है सर, कोई ऐसा नहीं है अभी। अदर 40 लीटर वाली 1,05,000 में मैं तो मिल्किंग करवा के दे दूंगा सर। बेची है? मिल्किंग करवा के दे देंगे सर। कितना समय मांग रही? ये तो 15 दिन बढ़िया सर। एक और भी दिए इनको, 36 लीटर मिल्किंग करवा के दिया वो। अच्छा जी जी। लो वो दिखाओ। वो भी दिखा देते हैं सर। कहाँ से हैं आप? सांगली, महाराष्ट्र। सांगली महाराष्ट्र से इनके पास कब से आ रहे हैं? पहली बार आए। कैसे आ गए? वीडियो यूट्यूब देख के। यूट्यूब देख कर? तुम्हारा प्रोग्राम देख के। तुमको भी देखा है बहुत बार। अच्छा, हाँ प्रोग्राम देखते हो, कस्टमर का भी तुम ख्याल रखते हो। कितनी गाय खरीदी इनसे? अभी 15 खरीदी। चक्कू तेज था या वो था? नहीं, थोड़ा बहुत तो लगा है वो गाय के हिसाब से। हाँ। जो हमको पसंद है उसका रेट तो ये 5-10 हज़ार बढ़ा है। नहीं तो काटते वक्त तो कुछ रहम दिखाया? नहीं, उतना वो कैसा, हमने जितना बोला है हम दाम लगाएंगे गाय देख के। हाँ। साठ गाठ कर लेते हैं कई बार? नहीं। हाँ। हमको जो पसंद पड़ा तो हम मुँह से बोलता है। ये कितना दूध देगी आपने खरीदी? अभी इसकी सेवा करेगी तो 40 लीटर देगी। दे देगी? नहीं करेगी। बोलते सर मेरे पास रहेगी, मैं इसका 45 लीटर मिल्क ही निकाल दूंगा सर। 10-5 लीटर जवानी बात है? जवानी बात नहीं, मैं निकाल दूंगा सर। गाय का बॉडी वेट तो देखो, गाय का लेग स्कोर, गाय का कंपैक्ट है। सेकंड लैक्टेशन है, 6 के दांत पूरे है सर। और गाय का तो थर्ड भी तो हो सकती है सर। थर्ड पैर तो देखो, फार्मर ने खुली आई है सर। फार्मर आजकल तुम्हें पता फार्मों में खुली रहती है, और गोबर रहता है इतना उसमें पैर हो जाते हैं सर। आपका क्या अनुभव कहता है, कौन सी लैक्टेशन की है ये? हमारे पास 25 लीटर का उधर। इसका लैक्टेशन कौन क्या होगा? का सेकंड होगा। हैं? सेकंड? थर्ड नहीं हो सकता? नहीं। मुंह दांत देख के हम थोड़ा ब्रीड पहचान सकते हैं। फुल ब्रीड में एबीएस किया सर। सेक्सर सिमल है। क्या पहचान ब्रीड एबीएस किया सर? फेस क्वालिटी देखो, और सेक्सर सिमल लगा सर। और दूसरी बात मैं ये भी बोलता हूँ, चैलेंज रहता है हमारा ऐसे रेट में कोई पंजाब में गाय दे। अच्छा, अगर सक्सेस सीमन लगा है जी जी, तो वो बछिया नहीं है, यही बछड़ा सर। 10% चांस रहते हैं। पैसे वापस करेंगे? 10% चांस इनको बोला, 10% चांस रहेंगे। वो कंपनी पैसे वापस करेगी? नहीं, कंपनी भी बोलती है 10% चांस रहते हैं सर उसमें मेल आने के। तो मेल भी आ गया सर, वो भी मेल भी रख लेते हैं हम 5-7 हज़ार में। ऐसी गाय का मेल भी रखेंगे तो उनको आगे क्रॉसिंग करवाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा सर। फुल ब्रीड में? हाँ, फुल ब्रीड में है सर। कितना दाम की है सर? ये भी 1.5 में दिए सर। सब एक से ऊपर ही है? एक से एक बढ़कर है सर। गाय तो ये देखी क्या सर आजकल? कब से कर रहे हैं आप ये काम? 10-12 वर्ष से। 10-12 वर्ष से? तो कितनी गायें आपके पास? मेरे पास 40 40 है।
दूध कितना होता है? दूध 20-25 के अंदर है सब, अभी 100 लीटर दूध है। खेती कितनी है? 5 एकड़ है। 5 एकड़ खेती कम है। हाँ तो क्या बोते हैं फिर? सब घास ही बोए, सब घास चारा ही है। और प्याज व्याज नहीं बोते? नहीं नहीं, दूसरा कुछ नहीं है। गन्ना बिन्ना सब छोड़ के चारे पर फोकस करके। अच्छा, वो डेरी ही बनाने का भीड़ पर। अनार वगैरह चलता बहुत? अनार नहीं हमारे पास तो नहीं, नहीं दूसरे सोलापुर कोलापुर उधर चलता, उधर चलता। सांगली में तो गन्ना है। एक 5 लगाया आपने इसका दाम? हाँ 5 लगाया। कितने पशु खरीदे हैं अभी? 15 खरीदे। 15 खरीदे, कितने पैसे लग गए कुल? जोटा बना के एक लाख तक है हर। कितने? 1 लाख की एवरेज पड़ेगी सर। 1 लाख की? 1 लाख की एवरेज पड़ेगी। जी जी, एवरेज पड़ेगा। मतलब 15 लाख रुपए लग गया? 15 लाख। किराया कितना लगेगा? किराया सर 85 लगेगा सर। दो ट्रक में जाएगा? अभी और लेना सर इन्हें गाय। कितनी लेनी? दो गाय और पड़ गया अभी। दो कम पड़ गया सर, दो कर दिया। नहीं तो 15 इन्होंने ऑलरेडी परचेजिंग कर ली सर, दो और परचेजिंग करनी है। 17 हो जाएंगे? 17 हो जाएगी। जाएंगी ट्रक में कितनी? दो ट्रक में जाएंगी सर। दो ट्रक में? जी जी जी। तो फिर पैसे का इंतजाम कैसे किया? वो ऑनलाइन भेज दिया इनको। नहीं नहीं, आपने कैसे इंतजाम किया पैसे का? डेरी से हमारे। डेरी से कितना? 10 लाख। 10 लाख बाकी अपने पास? अभी दूध चालू है हमारा 10 बरस से उधर। अच्छा, वो तो पैसा देने को तो फिर कैसे काटेंगे पैसे? वो पैसे बिल से काटेंगे। 50,000 मिला तो हमको मतलब हर महीने कितना काटेंगे? हर महीना तो 50,000 काट देंगे। ब्याज तो नहीं लेंगे? ब्याज लेंगे तो बैंक से हिसाब से लेंगे ब्याज। हाँ, बिगर ब्याज कोई देता नहीं उधर महाराष्ट्र में। सब्सिडी नहीं, कुछ नहीं, सरकार की मदद नहीं? नहीं, सरकार की कुछ मदद नहीं। नहीं, बैंक ब्याज लेगा? कितना ब्याज लेगा? 10-11% होता। तो फ्री करना चाहिए सरकार को। आप दूध नहीं देने बदले से? फ्री का मतलब नहीं, वो फ्री किया तो किसान करता नहीं, पैसा लेके वो डुबा देता है डीडी। शराब तो फ्री कर देते हैं? शराब का अलग है, जरूरत है। आप तो दूध दे रहे हैं? दूध की जरूरत नहीं, उसकी शराब से जरूरत है। दूध नहीं मिला तो आदमी मर नहीं सकता, लेकिन शराब मिले नहीं तो। तो इनको आपने बता दिया था कि मैं कितना पैसा लेके आया हूँ? नहीं नहीं, अभी हम इधर आए। पहले मत बताया करो, नहीं तो मैं उसी हिसाब से ये कर लेते थे। वो तो करेंगे। हाँ। इसका क्या नहीं, लेकिन हमको भी समझता है ये कितना गए। अच्छा। 10-5 हज़ार इधर तो हो जाता है। अच्छा, तो महंगा नहीं है? हाँ महंगा नहीं, ज़्यादा हो गए तो हम नहीं ले सकते। अच्छा, हमको भी मालूम पड़ता है ये गाय का क्या रेट है, इसका इलेक्ट्रिशियन। चलो अगली लिया। तीसरे नंबर पर आ गई। जी जी सर। हैं जी सर, अब उनसे तो ये छोटी है, हाइट में थोड़ी छोटी है सर। मिल्किंग पे चलेगी 32 से लेके 35 लीटर तक। नहीं तो तुम्हारे घर की तो है नहीं? घर की नहीं है, पर फिर भी फार्मर ने जो दिया ना, मैं उसे हमारे एरिया में सली रहती है। मैं क्योंकि आज का एलिमिनियम प्रोसेसिंग नहीं करता सर, 1 वीक में 100-120 एनिमल सेलिंग हो जाते हैं। हम उसी फार्मर से एनिमल प्रोसेसिंग करते हैं, जिस जो हमें बायोडाटा दे गाय का, जो बैकग्राउंड दे उसी फार्म से एनिमल प्रोसेसिंग। आप इनकी बात से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। 100% आपकी नजर क्या कहती है? 100% संतुष्ट नहीं, लेकिन 90% तो है। 90% कितना दूध दे देगी? हमारे उधर 30-32 लीटर निकलेगी। निकालेगी। ब्यांत कौन सी है? सेकंड है सर। सेकंड में दांत कर गई है? ज्यादा से हम सेकेंडरी लिए है। सारी सेकेंडरी है? हाँ, थोड़ी तो फर्स्ट का क्या होता है, वो नया रहता है, जर्नी में प्रॉब्लम रहता है थोड़ा। अच्छा, फर्स्ट में ऐसा होता है? सही कह रहे हैं। इनका मानना सर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पर इनका जो 4 दिन लगता है। हमें कस्टमर की सेटिस्फाई जरूरी है सर। अगर कस्टमर इतनी दूर 2000 किलोमीटर से आके कोई उनकी चॉइस ना पूरी हो सकी, फिर हम अपने आप को मतलब आप सेकंड को ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं? हाँ। प्रेफरेंस को करें। सेकंड का प्रेफरेंस करने का मतलब है कि वो एक बार जन के उसको मालूम पड़ता है ट्रैवलिंग का। फर्स्ट वाली को बच्चा देने में तकलीफ होता है ट्रैवलिंग होने के बाद, ट्रैवलिंग के बाद। उधर हमको उधर एक्सपीरियंस आया उधर। जब आप लेके जाएंगे तो स्ट्रेस में तो आएगी, फिर कैसे करो? उसका क्या मतलब नहीं, थोड़ा हम गाड़ी के साथ जाने वाले। गाड़ी के साथ ही? जहाज से तो नहीं जाओगे? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। नहीं, लोग आते हैं जहाज से जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, हमारा माल इतना पैसा लगाया, हम इतना पैसा लगाया, हमारे भी केयर है, इतना माल। ये तो बात आपने बहुत छीटी है, लेकिन लोग ऐसा करते नहीं, पता नहीं क्यों। जो चारा लेबर देता है कि नहीं, गाय को टेम्परेचर आया या कुछ दिया है, ये सब हम उधर। केयर टेकर कितने? 2 केयर टेकर है सर साथ में। दोनों के साथ एक एक? दोनों के साथ एक एक सर। तो कितने पैसे लेंगे वो सर? वो 1,000 रुपये एक गाय का लेते हैं मिनिमम सर। 15,000 रुपये बोले? हाँ, 15-16,000। 17,000 रुपये? हाँ जी जी। ज़्यादा नहीं लेंगे सर? उधर से 2-3 हज़ार का उनका भाड़ा लग जाता है, 4-5 दिन का
डिस्टेंस रहता है सर, उनको कोई दिहाड़ी बनती है 200-300 रुपये। अब तो ये साथ में जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो वो केयर टेकर शराब पी लेते हैं ड्राइवर के साथ मिलकर। मैं ऐसा बंदा रखता ही नहीं हूँ सर, मैं मेरा बिजनेस क्या है गाय का सर, एनिमल का। हम इसमें ड्रिंक की अलाउड ही नहीं करते सर इस धंधे में सर। अब इनको तुम्हारी जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी सर। पड़ेगी पड़ेगी तो फिर तुम फ़ोन उठा लोगे? ऐसा कोई कस्टमर नीचे कमेंट कर दे किसी का फ़ोन ना उठाया हो सर। अच्छा, अगर बिजनेस करना है तो कस्टमर के साथ जुड़ना पड़ता है, ऐसा नहीं अभी आज हमने कॉल कर दिया कल किसको सेल करेंगे, आज कॉल नहीं उठाएंगे तो। हम ना किसानों के ऊपर निकाला करते हैं किताब, 2-3 साल लग जाते हैं तो जहाँ हर जगह जाते हैं, ये नहीं टेबल पर बैठ कर नहीं लिखते हैं, जैसे आपके यहाँ आएंगे एक्सपीरियंस आपके ऊपर तैयार करेंगे कैसे आप काम कर रहे हैं, जो लोग सक्सेस हैं अच्छे किसान हैं उनके ऊपर तैयार करते हैं। तो ये किताब आप भी लेके जाना, पंजाबी वाली आपको समझ में नहीं आएगी तो अब ये हिंदी वाली आप लेके जाना, तो इसमें आपको कम से कम सैकड़ों बीमारियों का इलाज बताया गया है जो यूनिवर्सिटी बताती है। ठीक है, और मैं बोलना चाहूँगा कि अंकल जी बहुत अच्छा उपराला कर रहे हैं, ये बुक लिख के कस्टमर को जानकारी हो रही है सर, और उसमें हमें इस बार लिखने का मौका दिया उसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा सर आपका। वो तो सभी तुम ही लोगों के द्वारा लिखी हुई है। नहीं क्यों, तुम्हारा जो है एक प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जी जी जी। तो अब जो हम कई बार ऐसे ना कि कहीं पर सेमिनार होता है कुछ होता है, वो डॉक्टर अपनी स्पीच लगातार बोलते रहते हैं खड़े होकर के, और जो पीछे जो पशुपालक हैं आप जैसे, वो क्या कोई मोबाइल चैटिंग करता था, कोई बात करता है, किसी घर से फोन आ गया तो पता नहीं क्या आधी बात सुनी है पता नहीं सुनी जी। तो वो भी बस वो एक बोझ ही है सरकार के ऊपर, लेकिन चलो जानकारी तो देनी चाहिए जी जी। तो हमने इसलिए ये भी कोशिश की कि ऐसा करके देखो सर। मैं वही आपको बोल रहा हूँ स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा, हमें इस लाइक समझा भी आप लिख के बुक में पेज लिखो सर, तुमने जो हमें भेजा बहुत अच्छा लिख के। नहीं नहीं जी, थैंक करना चाहूँगा। और पंजाब में बहुत सारे फार्मर आप में उनसे चूज के हमें मौका दिया। अच्छा, सर अगली गाय पे बताना कि जरा तुमने क्या लिखा है। जी जी जी, लाओ भी अगली लिया। ये दिखा रहे जर्सी। जी जी, क्रॉस थोड़ी 10% है, ज्यादा नहीं सर। एचएफ से? हाँ जी एचएफ, 10% है, ज्यादा नहीं है। कितना दूध देगी सर? फार्मर ने बोला फर्स्ट में इसमें 28 लीटर मिल्किंग किया है और ऑर्डर बहुत अच्छा है, बिल्कुल फॉरन टाइप ऑर्डर लगा सर, और हाँ चल का गैप कम्पैक्ट ऑर्डर लेग स्कोर के ऊपर सर, और 10% थोड़ा सा क्रॉसिंग टच दे रही है, ज़्यादा नहीं दे रही सर, और मैं इनको 30 लीटर मिल्किंग कह के बोलता हूँ आराम से दे देगी सर। क्या बोला इन्होंने? 30 लीटर? 30 लीटर बोला है। और आपको कैसे लगा? हमारे 25 के ऊपर देगी। कब तक भी आएगी ये? कोई 15 दिन देगी। 15 दिन ले तो आपके पास वहाँ जा करके जाकर इलेक्ट्रिशियन सेकेंड है सर, सेकेंड में। जी जी जी। तो वो आपने बता ही दिया कि सेकेंड इलेक्ट्रिशियन के लिए सारी, तो इसका क्या दाम लगाया फिर? सर दाम की बात करें तो इनको बोलने ना, तुम तो कुछ बोलो। एक लाख ज़्यादा सर। एवरेज रेट निकला फिर वो 1.5 लाख की गाय है सर। कौन सी? जो पहले दिखाई सर, उसका 1.5। अगर सिंगल गाय लेंगे बेची तो कहो गई। नहीं नहीं सर, आपको भी वीडियो बनाते हो सर, आपको भी पूरा नॉलेज है, हर रोज वीडियो कवरेज करते हो सर। यार 1 लाख तो ज़्यादा फिर भी। एवरेज रेट निकला सर, वैसे एवरेज है, एवरेज वैसे प्राइस करेंगे तो 80 में है सर। तो वो जब तुमने वो 40 लीटर वाली बता रहे थे। जी जी। तो कुछ समझ तो हम भी रहे थे। जी जी। कि भाई वो तुम कहीं जानबूझ के कम बता रहे हो, ये भाव कौन सुन के ग्राहक ज़्यादा आएंगे। मेरा एक स्पेशल वीडियो पे ये फोकस है, मैं जो रेट में बता रहा हूँ सर उसी रेट में दे रहा हूँ, कस्टमर को मिसगाइड करना तो हमारा काम ही नहीं है सर। कस्टमर को मिसगाइड करके इधर बुला के उनको मिसगाइड करेंगे फिर वो हमारा काम नहीं है। ये मैट भी इनको दिए? नहीं सर, ये मैट भी लेने जाए तो ले सकते हो सर, इसकी कोई कॉस्टिंग जो अब चेक करोगे वो ही है सर कॉस्टिंग। कितना कमीशन लेते हो उसमें सर? इससे पेट नहीं भरता तो मैट से पेट कैसे भरेगा सर? नहीं कई लोग लेते हैं, उनका सर उनका सोच है, थिंकिंग है, उनकी थिंकिंग अलग है सर। कितने का है ये मैट? ये 1450, 1500, 1600, 2200 रुपये तक है सर। ये कितने का? 1200-1300 को मिल जाता? ये 1650 वाला शायद सर। तो बढ़ जाता है फिर? नहीं, इसका वेटिंग के हिसाब से कंपनी के हिसाब से आता है सर। क्या कंपनी क्या कहती है, गारंटी क्या? इनकी 3 साल की गारंटी देते हैं सर वो। देते हैं जी। एक मेरे पास इधर हरियाणा शक्ति का पड़ा होगा। हाँ। तो उनकी 3 साल की गारंटी देते हैं, विद इन मैट रिप्लेसमेंट की गारंटी देते हैं। अच्छा जी जी। इसका तो वजन होगा कम से कम 8 क्विंटल? जी जी। और बहुत अच्छे सीमेंट खुद प्लेट किया, इसकी फेस क्वालिटी, इसकी चाल, हाँ। और मैं आपको बताता हूँ, उसने फर्स्ट में 40 लीटर दूध निकाला है सर इससे। कितना? 40 लीटर सर। 40 लीटर? 40 लीटर सर। अंग्रेजी बहुत बोलते हो? सर चलो जितना ज्ञान है शेयर कर लेते हैं। अच्छा तो मतलब ऐसा ना कि अगर गलत बोलोगे तो आम लोग समझ नहीं पाएंगे, ठीक है फिर तो? नहीं नहीं सर, जो 40 लीटर? जी जी। अब कितना करेंगे सर? मैं इनको 40 लीटर कह के दिया क्योंकि इनका जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, थोड़ा बहुत टेम्परेचर सभी कुछ मेंटेन करता है, टेम्परेचर भी चलता है इनका, थोड़ा सा उधर डाइट प्लान भी चेंज हो गएगा, तो इसलिए 40 लीटर मिनिमम निकाल देंगे। पहली बार आए कुछ लिहाज करोगे थोड़ी बहुत?
नहीं सर, लिहाज तो इनको पता है सर, पूरे मैं बोलना नहीं चाहूँगा, गवर्नमेंट जॉब पे है। गवर्नमेंट जॉब पे जी जी। कौन से डिपार्टमेंट में है? पुलिस में। पुलिस में पुलिस तंग बहुत करती है। अभी दो वर्ष रह गया रिटायरमेंट को। नहीं तो पुलिस वाले पैसे लेते हैं जब वो हम। नहीं नहीं उधर नहीं चलते। नहीं चलते यहाँ तो छोड़ते नहीं, पकड़ लेते हैं, कहते हैं वो ये काटने वाली है, ये है वो है, कागजों में कमियां निकालते रहते हैं। आप अपने अफसरों को बोलो ना तो आप रिटायर हो जाओगे। धंधा करने के लिए डेढ़ बरस रह गए। अच्छा अभी 12 बरस से कर रहे हैं। कितने पैसे मिलेंगे रिटायर हो गए तो? 20-25 लाख मिलेंगे फंड बेंड सब जोड़। तो ठीक है। जमीन खरीदोगे? क्या जमीन खरीदोगे उससे? नहीं नहीं ये चलाने का डेयरी फार्म। डेयरी फार्म तो इतनी हो ही जाएंगी। लड़के को भी डेयरी डिप्लोमा किया है। अच्छा डेयरी डिप्लोमा किया है। पूरा जानकार है? हाँ पूरा जानकार है, वो संभलता है। कितना पढ़ा है वो? डेयरी डिप्लोमा 12वीं से किया है। 12वीं के बाद में किया है। तो क्या घास बोते हैं आप? वो मक्का है। अच्छा वो हत्ती ग्रास है। कितना हो जाता है मक्के एक एकड़ में? एक एकड़ में 22 टन निकलता है, 20-22 टन। अच्छा अभी हम साइलेज का बना गया है इधर। अच्छा तो साइलेज का तो गड़बड़ भी हो जाती है। नहीं हमने खुद बनाया है बैग में। आपने खुद बनाया? तो वो तो अच्छा है। वो बना के गाय लेके आए, लेने गए। बनाना था आपको? बनाना था, ये गाय को लगने वाला है उधर नहीं मिलता। कैसे सीखे साइकिल बनाना? वो यूट्यूब देखिए इधर। यूट्यूब से देख के नासिक क्या गुण होने चाहिए साइकिल में? एक तो यूट्यूब ने कस्टमर को बीमारियाँ, गाय के बारे में ज्ञान। आप बोलते हैं नए फार्मर आ रहे हैं, पर ये इनका सर्चिंग किया होता अभी स्टेरी फार्म से जाना, इससे हमें सही मिलेगी सर। साइलेज के बारे में इनको बोलना चाहूंगा, साइलेज का जो जब ये भुट्टा लग जाए मक्की का तब उसको काटो पहले। तो कई भाई कच्चा काट देते हैं, कभी नहीं को ज्ञान होता, भुट्टा लगने से पहले काट देते हैं साइलेज का। और एक खड्डा बनाओ, खड्डा बनाओ उसको नीचे से कच्चा रखो। मेरा ये मानना सर, जैसे हम तैयार करते हैं सर, जो मैं आपको हमारा फॉर्मूला वही बता रहा हूँ सर, नीचे से कच्चा रखो कच्चा, और कुछ भी उसमें डालो मत, कोई भी प्रोडक्ट नहीं डालना। और काटने के तुरंत उसको नहीं सर कुछ ना डालो, वो अपनी हीट से खुद तैयार हो गया। अच्छा खुद तैयार होगा। कच्चा रखने का नीचे का यही मोटिवेट है, क्योंकि कच्चा रखोगे तो जो उसमें से पानी निकलेगा ना सर, वो नीचे से धरती सोख लेगी सर। अच्छा उसमें फंगीसाइड फंगस कम पैदा होगी, उसकी जो उसमें एयर रहती है वो नीचे मतलब सारा का उसके ट्रैक्टर चला के लताड़ इतनी कर दो उसमें एयर ना रहे पहले तो। और उसको हवा ना रहे, जब हवा रहेगी तो फंगस बढ़ गया और गाय को मस्टाइटिस कई तरह की बीमारियां आ गई। फंगस जब फंगस वाला खाएगी तो क्या क्या बीमारियां? मस्टाइटिस सर पेट का काफी प्रॉब्लम आ जाती है सर इनको। उसी से आती है? उसी से आती है सर। मस्टाइटिस आने का 99% कारण फंगस रहती है। फंगस? हाँ जी जी। तो और जब आप तोड़ते हैं उसको, ढेर को तोड़ते हैं जी जी, पंजा चलाते हैं जी, तो बहुत गर्म होता है। तो गर्म तो होता है सर, तो वो हीट से तैयार होना ना उसने। तो फिर उसको गाय को गर्म खिला दोगे क्या? नहीं सर, गाय को तो मैं बोलता हूँ जब आपका 45 डेज के बाद ये रेडी हो जाएगा, आप साइलेज डाल दिए उसके बाद उसको कोई पन्नी लेके मोटी अच्छी वाली उसको प्रेस कर दो और मिट्टी रख दो, ढक दो, उसके बाद उसको 45 डेज के बाद खोलोगे ना, 2 घंटे उसको पहले निकाल दो। 2 घंटे उसको खुला रहने दो, खुला रहने दो, हवा निकल जाए। हाँ वो साइले खाड़ो, सारे को खुला नहीं निकलने, साइले काट के खुला रखो और 2 घंटे खुला रहने दो उसको। अच्छा उसमें हीट निकल जाएगी। हाँ फिर गाय को डालो सर, फिर कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं सर। सुना आपने? सुना है, वैसे ही किया है। ऐसे ही करते हैं आप भी उसको? तो वो आप जो छोटे छोटे फार्मर हैं जानकारी लेने आते देते हैं? देते हैं, जो इसको इसमें इंटरेस्ट है वही करता है, नहीं तो किसका भी काम नहीं। कई लोग देखा देखी में कर लेते हैं फिर फंस जाते हैं। हमारा देख के करेगा तो उसको एक्सपीरियंस तो खुद का अनुभव होता नहीं है। एक दो गाय से होता नहीं, 10 से आगे करा, कम से कम 10 गाय चाहिए तो एक लेबर रख सकते हैं, वो फीडिंग का नॉलेज ले सकते हैं। वो जो पशुपालन मंत्री मंत्री हैं कभी आते हैं चक्कर पर लगाने के लिए? नहीं 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 आते हैं। वोट मांगने आते हैं? वो तो है, रेगुलर चलता है। किसको डालते हो अभी? हमको सब्सिडी वगैरह? आप तो सरकारी हैं, सरकार को डालो। नहीं नहीं वो नहीं बताएंगे, बोल नहीं सकते आपके खिलाफ। नहीं चलो ठीक है, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।